We'll be right back.
I think we are live now. All great, all good. Yeah, guys. So, bhai log, last episode for season one. I am so happy to conclude to be the last episode of this, and I hope we will be reaching new milestones in this. मेरे को राहत इंदौरी का शेयर ज़्यादा आ रहा है कि भाई गुलाब, ख्वाब, दवा जहर जाम क्या क्या है, मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है, रेशो मिक्सचर एलिगेशन राइट पार्टनरशिप नंबर सिस्टम ट्रिग्नोमेट्री क्या क्या है राइट. सो वेलकम टू दिस सेशन, लास्ट एपिसोड ऑफ सीजन वन, एंड दिस एंडिंग इज अ बिगिनिंग ऑफ न्यू इरा विच विल बी सेशन टू. Like Corona put up us into trouble, but this come up with number of opportunities and new ventures. So hi everyone, इंतजाम खूब है सर, एक बार पेपर अच्छा हो जाए, पेपर अच्छा हो जाएगा कोई बात नहीं, फिर भी आएंगे मिलेंगे आपसे, चिंता क्यों कर रहे हो यार राइट. सो गाइज, ये 10 एपिसोड होने वाले हैं, इस प्लेलिस्ट को आपकी मर्जी है जितना फैलाना चाहते हैं, ऑल योर्स माई डियर बॉयज एंड गर्ल्स, इट इज ऑल अप टू यू गाइज. सो 10 का दम में मैं तीन चीजें मोटी मोटी बता दूं भैया, कंसेप्ट बुक बना लीजिए, जो ये 100 क्वेश्चन हुए हैं इन 100 क्वेश्चन को चाप लीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए लेवल 2 आने से पहले, ये और इसके पहले वाला जो जो भी काम किया हो वो किया. स्कोर एट द एंड ऑफ द शो, थोड़ा अपने आप को इवेल्युएट कीजिए कि आप यार ये 10 एपिसोड में कहाँ पे हैं, और जो भी आप लिख रहे हैं उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट से बाकी लोगों को बहुत हौसला मिलता है, मुझे बहुत हौसला मिलता है, और बाकी लोगों को ढूंढने में मदद मिलती है. और जहाँ जहाँ भी #2020 ये सब कुछ प्रोग्राम आप यूज़ करेंगे वो हेल्पफुल होगा. हेयर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू ऑल गाइज, सो टाइप गुड टू गो so that I can start the timer. Right, hit the like button. Shivam Srivastav says, thank you very much. Fast and fast, good to go. GTG, kata fata fata, GTG type kar dijiye, energy ke saath type kariye, thak 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 thak, chep dijiye, aise hi paper mein question niklenge.
जितना जल्दी यहाँ पे क्वेश्चन निकालोगे पेपर में भी उतना ही मजे से क्वेश्चन निकलेंगे आपके। फटाफट एवरीवन विद द फुल स्पीड। विक्की खंडेलवाल से जीरो, साक्षी लांडे से 100। ध्यान से करो यार, जोश में नहीं आए लगता अभी लोग। टाइम अप गाइस। सो दिस क्वेश्चन वी गॉट यू नो सम आंसर्स 4951, 4951.45 सेकेंड्स। हरीश, श्री हरीश पेड्डे, कहाँ से भैया पेड्डे भैया, फ्रॉम वेयर आर यू? देखिए भाई, ये क्वेश्चन में 100 नंबर लिखा हुआ है। अब हम कह रहे हैं कि जब एक ऑपरेशन होगा तो ऑपरेशन में हम कोई भी 2 नंबर लेंगे और उनको जोड़ेंगे और -1 लिख देंगे। मान लीजिए हमने 1 और 2 लिया तो हमने क्या लिखा, हमने लिख दिया 3, और 3 को -1 करके लिख दिया 2, राइट? तो नेट नेट ऑपरेशन में सम ऑफ नंबर सेम रहा, ओनली 1 माइनस हुआ। और क्योंकि 99 टाइम्स करना है तो 99 माइनस होगा नहीं। सो सम ऑफ नंबर्स -99, सम ऑफ समीशन ऑफ 100 नंबर्स, तो 100 × 101/2, 50 50 -99 वा 4951। चक दे फट दब दे किले सवेरे जलंधर शाम नू दिल्ली। क्वांट करते हुए ना टेंशन नहीं लिया करो, चिंता नहीं करनी है, प्रैक्टिस करोगे तो आएगा ना भाई क्वांट। क्वांट ना ना कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? इट इज जस्ट मैटर ऑफ फ्यू आवर्स एंड फ्यू मंथ्स विच यू नीड टू स्पेंड टू मेक इट गुड, राइट? और मैं आपको एक गारंटी देता हूं कि जो वीडियो मैंने बनाया है वो 50 वीडियो देख लीजिएगा, क्वांट समझ में आना शुरू हो जाएगा और धीरे 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 मास्टर भी हो जाएगा। डरना नहीं है क्वांट से। और जिस जो क्वेश्चनों से आप डरे हैं ना आज तक, वो 20-25 क्वेश्चन वो भूल जाओ, वो कैट में नहीं आएंगे, ठीक है? और आएंगे भी तो छोड़ आना यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना? और माउंटेन ड्यू पिया करो, उससे थोड़ा फायदा होता है। हालांकि माउंटेन ड्यू को मैं इंडोर्स नहीं करता, बट वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है, मैसेज बहुत जबरदस्त है। आई होप एवरीवन, राइट? अरे 899 नहीं आएगा दहिया भैया, 781 किधर से आ गए हो? हाँ दहिया, रे दहिया नहीं, वो वाला दहिया नहीं है, ये तो दहिया है हमारे भैया, ठीक है? तो दहिया भैया ये ध्यान रखने का है, ठीक है? लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। लास्ट 2 डिजिट ऑफ 7⁻²⁷⁷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 
We got one answer from Yash Bansal. Pritham
रमेश जोशी से भी आंसर आया है, लास्ट टू डिजिट ही पूछे हैं। दैया भाई कहाँ चले गए तुम? जरूरी नहीं है जिन्होंने आंसर दिया उनका ठीक है, गलत भी हो सकता है, डरिए मत। ओके देखो भाई पहले समझिए, 7 रेज टू पावर 1 7 रहती है, 7 रेज टू पावर 2 49 रहती है, 7 रेज टू पावर 3 क्या रहती है, क्या रहती है भाई 7 रेज टू पावर 3 बता दो, 343 मतलब 43 रहती है। कुंगुड्डू भैया 7 रेज टू पावर 4 01 2401 रहती है, पीछे रहेगा 01 राइट। सो 7 रेज टू पावर 5 क्या रहती है, फिर 07 रहती है, इसके आगे भी 0 लगा दीजिए। 7 रेज टू पावर 6 क्या रहती है, क्या रहती है बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, 43 रहती है, 49। 7 रेज टू पावर 8 क्या रहती है, चलो 7 रह गए, 7 रेज टू पावर 7 43 रहती है, 8वां क्या रहती है, 8वां बताओ भाई, नहीं बताएंगे, 8वां 01 आएगा नहीं। 7 रेज टू पावर 9 क्या रहती है, 07 रहती है, मतलब का हुआ 7 रेज टू पावर 4n इज इक्वल टू 0, 7 रेज टू पावर 4n प्लस 1 इज इक्वल टू 07, 7 रेज टू पावर 4n प्लस 2 इज इक्वल टू 49 एंड 7 रेज टू पावर 4n प्लस 3 इज इक्वल टू 343 मतलब 43 का भाई, ठीक बोले नहीं, सही बोला है, बोलो बोलो सही आया नहीं आया, सही आ गया नहीं, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो नंबर है, अब हमें ये निकालना है कि ये नंबर 4 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर दे रहा है, वेन वी डिवाइड बाई 4 1 आएगा ना, ये तो आप फटक से बता देंगे रिमाइंडर थ्योरम लगा के कि सर ये 1 रिमाइंडर देगा, बोलो देगा या नहीं देगा, 1 रिमाइंडर देगा, तो 07 आंसर आ गया नहीं भाई। देखा आपने कितने लोग चक्कर में घन चक्कर हो गए, देखो सबके सामने है, परमार्थ जोशी ने 01 आंसर दिया था, उसके बाद से लेके कपलेश खंडारे ने आंसर दिया सही जाके, ठीक हो गया, हाँ मजा आ गया होगा, ठीक है। तो लाइक ढोकना नहीं भूलिएगा, ठीक है, समझ लो जब लेवल 2 आएगा ना अच्छे अच्छों के तोते उड़ जाएंगे, ये तो मैं थोड़ा सा ग्लिम्प्स दे रहा हूँ लेवल 2 का, राइट गाइस, एंड वी आर टचिंग वेरी हाई यू नो दिस रेट, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑल लव एंड अफेक्शन। इसका आंसर अच्छा घर के लिए लिख लो, सारा प्रॉब्लम दूर हो जाए, 23 रेज टू पावर 68 इसका बता दीजिएगा लास्ट टू डिजिट क्या आएगा, कमेंट में लिख के बता दीजिएगा, ठीक है। 17 रेज टू पावर 25 इसके लास्ट टू डिजिट बता दीजिएगा, ठीक है, ओके हो गया जी, 07 आ गया, ठीक है। और बाकी लोग बोलो कि भाई आपने 43 फैजान अहमद प्रमोद मनिका नरूला जितने लोगों ने 43 47 लगाया कैसे आया, मुकुल सिंगला ने तो 2 आंसर दिए, दोनों ही धोखा दे गए, ठीक हो गया भाई, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। जोशी भैया थोड़ा कॉन्सेप्ट गलत हो गया आपका, पावर इवन में नहीं है ना उसकी, अरे अरे टाइमर नहीं लगाया हमने, कोई बात नहीं अब लगा देते हैं, बेनिफिट मिल गया आपको।
बेनिफिट मिल गया, कोई बात नहीं, कर लो। ये तो लेवल टू का इंट्रोडक्शन है आज। फास्ट एंड फास्ट, फास्ट एंड फास्ट कर दो भाई, फटाफट। जिनका पिछले वाला क्वेश्चन नहीं आया, ध्यान से समझ लीजिए, साइक्लिसिटी को जाके अच्छे तरीके से कर लेना, कहानी समझ में आ जाएगी। साइक्लिसिटी अच्छे तरीके से कर लेना, क्योंकि अभी जो है टीटा क्वेश्चंस एप्लीकेबल हैं आपके लिए। तो बी वेरी केयरफुल वाइल सॉल्विंग क्वेश्चन, क्योंकि टीटा में वही क्वेश्चन जो है डिफिकल्ट हो जाता है बेटा। लास्ट 10 सेकेंड्स टू गो। वन एटी सेकेंड्स, वेरी गुड। ओके, नट और बोल्ट फैक्ट्री है, एक मशीन प्रोड्यूस करती है ओनली नट्स एट ए रेट ऑफ 100 नट्स पर मिनट। 60 सेकेंड्स में, या सिंपल अभी 1 मिनट ही लिख लेते हैं, 1 मिनट में वो 100 नट्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो एंड टू बी क्लीन्ड फॉर 5 मिनट्स आफ्टर प्रोड्यूसिंग 1000 नट, मतलब 10 मिनट्स चलाएंगे उसको और भैया फिर 5 मिनट रेस्ट वा देंगे उसको। अब जब भी ये रेस्ट वा का क्वेश्चन आता है ना, तो यहाँ समझिए कि जो रेस्ट है वो एंड पे देने की जरूरत नहीं है, मतलब 10 मिनट में 10 बन जाएंगे, 15 मिनट में भी उतना ही काम होगा, 25 मिनट में 2 यूनिट बन जाएंगे, 2 सेट बन जाएंगे, 30 मिनट में भी 2 सेट ही बनेंगे, 40 में 3 बन जाएंगे, 45 में भी 3 ही बने, क्योंकि ये रेस्ट पीरियड है, इसमें कुछ आ नहीं रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? राइट, यही कहानी होती है। दूसरी मशीन क्या करती है, ओनली बोल्ट बनाती है 75, 10 मिनट के बाद उसको 10 मिनट क्लीन करने 70 कितने बोल्ट है, 1500 बोल्ट है, तो भाई 20 मिनट्स में बनाएगी 1500, 20 मिनट के बाद 10 मिनट का गैप देना है उसको, ठीक हो गया। ओके, इफ बोथ मशीन्स आर स्टार्टेड एट द सेम टाइम, व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग 900 पेयर्स ऑफ नट्स एंड बोल्ट्स। तो ये 30 मिनट में अगर हम मोटा मोटा लगा के चलें, तो ये 30 मिनट में भाई कितने बना रहे हैं, 30 मिनट में ये 1500 बना रहे हैं, और ये 15 मिनट में कितने बना रहे हैं, 1000 बना रहे हैं, 15 मिनट में 1000 बन रहे हैं, ठीक है। सो आप देखेंगे ये 30 मिनट में 2000 बना देंगे, सो इनकी स्पीड ज्यादा हो गई, ठीक है भाई। तो इस दिस विल नॉट बी ए कंस्ट्रेंट, इसको भूल जाओ, दिस इज नॉट ए कंस्ट्रेंट। अब हमारे 1500 बनेंगे कितनी देर में, 30 मिनट में, 30 मिनट में 1500 बन रहे हैं, तो 180 मिनट में हमारे 6000 × 6 9000 बन जाएंगे, कहानी खत्म। बट 9 9 9 10 कम हो जाएंगे, 170 मिनट्स आ जाएगा, क्योंकि लास्ट रेस्ट तो बाद में कर देगा, क्लीन नहीं भी करेंगे, आइडली तो करना चाहिए, बट ठीक है यार, है ना। उसने बन कब जाएंगे, मिनिमम ड्यूरेशन, उसके बाद ठीक है क्लीन करते रहो, पर नट बोल्ट बन के तैयार हो गया है आपके, ठीक है। और दूसरे वाला क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, तो दैट विल नॉट बी ए कंस्ट्रेंट। सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, जिन्होंने आंसर किया बहुत ही अच्छा, जिन्होंने आंसर नहीं किया कोई बात नहीं भाई, अगले क्वेश्चन पे पूरा जोर लगाइएगा। और जो लोग जी जान से तैयारी करते हैं ना, हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से, उनका कुछ ना कुछ तो बन ही जाता है, और अच्छा कुछ बनता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे अरे ये वाला,
कुछ लोगों ने फटाफट आंसर कर दिया, कपलेश खंडारे। थोड़ा भेजो भाई, कैसे किया आपने इतनी जल्दी में क्वेश्चन, कैसे निपटा दिया ये, राइट? कैसे ये इतना जल्दी में क्वेश्चन निपट गया आपका? कपलेश खंडारे। Somebody says 40 pi, somebody says this thing। एक ही बंदे का आंसर सही आया था, वो थे हमारे भाई अंजलि वत्स का भी आंसर सही। अंजलि वत्स, कैसे आया आपका आंसर इतनी जल्दी? हाउ यू गॉट टू दिस आंसर सो क्विकली, यही हम जानना चाहते हैं। थोड़ा मुश्किल है ये क्वेश्चन, क्योंकि इतना आसान है नहीं ये। नहीं, ये क्वेश्चन जो है, कपलेश ने बोले आज ही मॉक दिया था। अरे यार, ये प्रीवियस ईयर 2008 का क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है? मैं इसलिए दिखा रहा हूं ये, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो थोड़ा लंबा रास्ता ढूंढते हैं, ठीक है? अब उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, या तो भैया हम ऑप्शन से ले लेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कोन है भाई, कोन है, ठीक है? हाइट 10 सेंटीमीटर है कोन का, रेडियस 4 है, ठीक है? अब सिलेंडर इनसाइड है, फ्लैट सरफेस, मतलब ऐसा सिलेंडर बनाना है बीच में, ठीक हो गया? अब उसका हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए उसका? सरफेस एरिया लार्जेस्ट पॉसिबल चाहिए। तो ये जो है, ये क्वेश्चन जो हम करते हैं, इसको करने के लिए काफी कुछ चाहिए। तो आप इसको ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे, इस क्वेश्चन को छोड़ छाड़ के आगे चले जाएंगे, या क्या करेंगे भैया, या इस क्वेश्चन को अलग अलग वैल्यूज पे ले लेंगे, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंगली मेरा फटाफट ये आंसर आ जाएगा। समझ आ गया मैंने क्या कहा? नहीं समझ में आया, बताता हूँ अभी, ठीक है? ये बेटा जी हाइट 10 है, हाइट 10 है ना, ठीक है? तो ये एक देसी सा फंडा हो गया कि इसको 2 ले लिया, और ये हमारा, ये भी 2 हो गया, ठीक है? हाइट जो है हमारी, ये 2 है क्योंकि ये 4 है, तो हाइट 5 रह जाएगी। क्लियर हो गया? तो क्या बन गया सरफेस एरिया? 4 pi, 4 हो गया ना। आर आर कितना है आपका? आर कितना है भाई? आर 4, 2 है ना, नया वाला जो आ रहा है, आर ही तो डिसाइड करना है। तो 2 pi r होता है सरफेस, 2 pi r square, ठीक है? ऊपर वाला टॉप सरफेस एरिया, तो ये 8 pi हो गया, ठीक है? प्लस ये पाई आर एच, 2 pi r h, सो 2 into pi into r, कितना है बेटा आपका? आर इज योर 4, 2 into h, h है आपका 5, सो 2 into 2, 4 into 5, 20, 28 pi इज वन एरिया दैट यू विल बी गेटिंग इफ यू अज्यूम इट टू बी हाफ, ठीक है? तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर 28 pi से ज्यादा आएगा, ठीक हो गया? नहीं, क्योंकि आपको पता नहीं है ना, हो सकता है थोड़ा यहाँ 1 लेने से ज्यादा आ रहा हो सकता है यहाँ 3 लेने से ज्यादा आ रहा हो, किसी में भी ज्यादा आ सकता है भाई, मैं तो इसको बता नहीं सकता हूँ। अब देखो, अगर आप देखोगे इस एग्जाम को, इसको क्वेश्चन में देखोगे, तो जो एग्जाम में आंसर आया था जो, ठीक है, दिस ऑप्शन जो आता है, टेल यू व्हाट वर द एक्चुअल ऑप्शंस, 100/3 pi कॉमा 80/3 pi कॉमा 120/7 pi कॉमा 130/9 pi कॉमा 110/7। अब देखो, मैंने ये निकाल लिया, ऐसे ले लिया मैंने, हाफ ले लिया, मतलब मोटा मोटा सा, ठीक है? तो भाई अगर मेरा 28 pi आएगा, 28 pi आएगा, उससे तो आंसर ज्यादा ही आएगा, कम तो नहीं आ सकता ना सरफेस एरिया। तो बेटा मेरा मेरा बच्चा, ये बाहर हो गई, ये मेरा आंसर आ गया।
दिस इज एक्चुअल कैट 2008 क्वेश्चन। बट अगर आप कहें कि सर ये टीटा में आ जाए और मैं एग्जैक्ट निकाल दूं, बेटा जी इक्वेशन बनाना, डिफरेंशिएशन करना, वो करना, ये सिमिलरिटी लगाना, बहुत टाइम लग जाएगा। 40-40 वाले 40 मिनट के अंदर अगर 24 क्वेश्चन आते हैं, आई वुड नॉट स्पेंड माई टाइम ऑन दिस क्वेश्चन, अनलेस अदरवाइज हमारे खड़गरे भाई की तरह आपको एकदम रटा पड़ा हो क्वेश्चन के यही आएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं 4 की जगह 5 कर दूंगा तो खड़बरे भैया की बैंड बच जाएगी, राइट? समझ आया? गया ना, गई भैंस पानी में? ठीक है। और अगर जब भी मेरे को ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा ऐसे करेंगे, अदरवाइज आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है? पर मैं करवाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं एडवोकेट करता कि ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए। ठीक है, ये 10 हो गया बेटा जी। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये मान लो आपकी एक्स है, एक्स मीन्स ये 4 - x हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक्स आ गई, तो 4 / x सिमिलरिटी से आपकी ये वाली लेंथ आ जाएगी, हाइट आ जाएगी बेसिकली। तो आप क्या देखेंगे सिमिलर ट्राइंगल में कि ये अगर ये ये हो गया आपका एक्स हो गया ना, तो ये आपका एच है, एक्स है, ये पूरा एक्स है। ठीक है, तो x by 4 इज इक्वल टू ये छोटा k मान लो इसको, k upon 10। तो ये k 10 - k आ जाएगा। ठीक है, 10 - k आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे इसका रेशियो देखेंगे, उससे हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी, फिर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, फिर उसको स्टैंडर्डाइज कर देंगे और मैक्सिमम पॉसिबल बनाने के लिए लीनियर या क्वाड्रेटिक को हम स्क्वायर वाली फॉर्म में ले आएंगे, तो वैसे हो जाएगा। आई डोंट एडवोकेट डूइंग दैट क्वेश्चन, ओनली फॉर इंजीनियर्स दैट टू वेरी गुड एट मैथमेटिक्स, दैट टू इन द लास्ट। क्लियर हो गया जी? बाकी लोग इसको छोड़ देंगे, उसी में सबसे बड़ी भलाई है, बिकॉज कैट इज ए मैनेजमेंट एग्जाम, राइट? ये आपको इज्जत पे, दिल पे नहीं लेना है, समझ आ गया? ईगो पे कभी नहीं लेना है क्वेश्चन। ठीक है, करवा सकता हूं, लंबा चौड़ा सोल्यूशन है, हर एक वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, बट वो इसका सही तरीका नहीं है, समझ आया? क्योंकि ये कैट 2008 का क्वेश्चन है। अगर मैंने कैट 2008 में क्वेश्चन डाला है, मैं चाहूंगा कि मेरा बच्चा ऐसा करे कि भाई इससे सरफेस एरिया मेरा ज्यादा आएगा, इसीलिए मैंने ऑप्शन इतनी बेकार दी है, अदरवाइज मैं क्लोज ऑप्शन बना देता। ठीक है, आई वुड लव टू स्किप दैट क्वेश्चन। समझ आ गया भाई, डरना नहीं है। चलो जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय दिस ग्राफ, फटाफट टाइमर लगा दूंगा यार, मैं टाइमर भूल गया। ध्यान से करना है भाई, हाँ ध्यान से। एवेंजर्स असेंबल ने बहुत सही तरीके से बताया, बिल्कुल सही डायरेक्शन में आ रहे हो बेटा, एवेंजर्स बहुत सही डायरेक्शन में है। थर्टी सेकेंड्स टू गो, ओके। ये ग्राफ मैंने आपको बताया था, जब जब फूल खिले, जब जब मॉड आएगा, कुछ नहीं करना, मॉड को खोलना है, दो दो इक्वेशन बनेंगी, क्या बन जाएगा x + y
x minus y, x plus y minus x plus y, x plus y minus minus plus x minus y. Okay, minus x minus y and minus x plus y. इधर भैया चार ही रहेगा हमारा, फोर 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 फोर, ठीक है, वाई वाई गया तो ये आ गया x इज इक्वल टू टू, एक इक्वेशन आ गई, ये x x गया y इज इक्वल टू टू आ गई, ठीक है, और ये x x गया y इज इक्वल टू माइनस टू आ गई और x इज इक्वल टू माइनस टू आ गई। तो अगर आप ग्राफ देखेंगे तो ये चार लाइनें बन जाएंगी, ठीक है, चार लाइनें बन जाएंगी, ये 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 ये, तो ये टू टू है ना भाई, दो गुना दो चार एरिया आ गया इसका, चार इसका, चार इसका, चार इसका, सोलह एरिया आ गया, आंसर हो गया, नथिंग टू बी वरीड अबाउट इट, राइट, फोर इंटू फोर सिक्सटीन आंसर आएगा। अंजलि वत्स, वेरी गुड वेरी गुड। चलो बेटा आगे चलते हैं, लास्ट सेट फॉर टुडे, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि सर क्यूब वाला ज्यादा करा दो, ये ध्यान से देखो कि ये मैंने क्वेश्चन क्या कराया है, फिर इस क्वेश्चन का मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, रीड कर लो, दिस वॉज अ क्वेश्चन विच वॉज यू नो अपियर्ड इन कैट फ्यूअर्स बैक, आई रिमेम्बर यू नो वी वर इन संगरूर एंड फर्स्ट स्लॉट मॉर्निंग स्लॉट में ये आया था, ऑनलाइन ही पेपर होता था उस समय, और आइडिया इज कि 343 स्मॉलर क्यूब्स हैं, ठीक है, 343, एक क्यूब उनको इकट्ठा रखा गया लार्जर क्यूब बनाने के लिए, तो आपकी कॉमन सेंस काम करेगी, सर 7 × 7 × 7 का क्यूब बन जाएगा हमारा, बिल्कुल बनेगा भैया, बिल्कुल सही है। हमने लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया और नंबर 1 to 7 कर दिया उसको, लेफ्ट टू राइट जाते हुए, ठीक है, और फिर 8 नंबर को कहां रखा, 1 वाले क्यूब के पीछे, जैसे ये वाले 1 to 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और पीछे वाले में कौन सा क्यूब आएगा, ये आएगा, क्या आएगा, इसमें 8 नंबर आएगा, ऐसे उसके पीछे 15 नंबर आएगा, तो ये 49 तक चला गया, बॉटम लेयर 49 बन गए 7 by 7 का। अब जो 50th क्यूब आएगा वो बन के ऊपर आएगा, राइट, एंड प्लेसिंग क्यूब नंबर 50 जस्ट अबव क्यूब नंबर 1 एंड दिस शैल कंटिन्यू टिल क्यूब नंबर टॉप पे आ जाएगा 343। विजुलाइज हो गया भाई सबको, विजुलाइज हो गया, नंबरिंग सेम है, हाँ नंबर किया है हमने क्यूब्स को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ ये मैंने काफी हद तक आपको समझा दिया है कि कैसे होगा, एग्जाम में ये बन नहीं पाता है या इतना डिटेल्ड में नहीं दिया होता है, ठीक है, सो राइट, सो क्वेश्चन आगे क्या है, क्वेश्चन मैं आपको इसके आगे बताता हूं, क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस हैं फर्स्ट, पहला क्वेश्चन जो बॉडी डायगोनल होगा, बॉडी डायगोनल उसका सम क्या होगा, उसके ऊपर जो क्यूब होंगे, व्हाट विल बी सम ऑफ ऑल द क्यूब्स इन वन बॉडी डायगोनल, ठीक है, किसी भी बॉडी डायगोनल में देख लीजिए, बॉडी डायगोनल में। दूसरा क्वेश्चन है सम ऑफ क्यूब्स ऑन एनी फेस मैक्सिमम क्या होगा, किसी भी फेस पे सम ऑफ क्यूब्स मैक्सिमम क्या होगा, राइट। थर्ड, ये गंदा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, ये घर से कर लेना, सम ऑफ क्यूब्स विच आर not visible from outside, ठीक है, जो क्यूब बाहर से नहीं देखे जा सकते उन क्यूब्स का सम, सभी का सम, ठीक है, उन सभी क्यूब्स का सम, ठीक है, तीन क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं तीनों बता देता हूं आपको कैसे करने हैं, ठीक है, आपको अगर आता है फटाफट तो बोल दो, नहीं तो आई विल टेल यू हाउ टू डू दीज क्वेश्चंस, राइट,
ठीक है, क्वेश्चन मजेदार है नहीं? ये डीआई का सेट है, बहुत इंपॉर्टेंट सेट है डीआई का। ठीक है, एक्चुअल कैट है ये, एक्चुअल कैट क्वेश्चन दे रहा हूं भाई मैं आपको। ठीक है, दीक्षांत दही वाले बहुत सही बोल रहे हैं बेटा। देखिए जो हमारा डायगोनल क्यूब होगा, ठीक है, डायगोनल क्यूब होगा, ये 8 के लिए भी कर सकते हो आप। दिस विल बी 1, दिस विल बी 343। ठीक है, ये मैं बनाने के लिए 512 वाले में बना रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ। तो जब हम बॉडी डायगोनल जाएंगे, आप इमेजिन कीजिए, लेयर्स में इमेजिन कीजिए इस क्यूब को, कि जो ये 51 नंबर क्यूब है, ये पहले क्यूब के ऊपर है। तो जो यहां वाला क्यूब होगा, मतलब सेकंड क्यूब इन द बॉडी डायगोनल, वो एक लाइन आगे चला गया, एक क्यूब आगे चला गया और एक लेयर आगे चला गया। तो उसमें एक लेयर आने से पहला नंबर क्यूब 1 है, दूसरा जो नंबर क्यूब होगा उसमें क्या क्या ऐड होगा, एक नंबर ऐड हो जाएगा, क्योंकि दैट इज गोइंग टू बी सेकेंड क्यूब इन सेकेंड रो इन द सेकेंड लेयर। सो एक उसके अंदर 7 की लेयर ऐड हो जाएगी, एक उसके अंदर 49 ऐड हो जाएगा, उसका नंबर होगा 58। नेक्स्ट क्यूब में 57 और ऐड हो जाएगा बेटा जी, उसका क्यूब का नंबर होगा 115। उसके बाद फिर 57 ऐड हो जाएगा, 172 मेरा सेंट्रल क्यूब होगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, नंबर ऑफ सेंट्रल क्यूब, सेंट्रल मोस्ट क्यूब जो है उसका आंसर आ गया 172। बॉडी डायगोनल में क्या है कि जो सेंटर में क्यूब रही उसके इधर जितना है उधर उतना है, सिमेट्रिक है, तो आपका सम आ जाएगा 172 × 7। जब पेपर से बाहर आके बच्चे ने क्वेश्चन बताया ना, बोला कि सर के बॉडी डायगोनल का क्वेश्चन आया था, मैंने उसको बोला कि भाई 170 × 7 होता है 1190, और उसमें अगर आप 14 ऐड कर देंगे तो 1204 हो जाएगा। कहता है सर आपने तो सारा ही काम खत्म कर दिया, मैंने 15 मिनट लगा दिए इस क्वेश्चन को करने पे, राइट। ठीक है, तो 172 × 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1204। क्लियर हो गया, सम ऑफ कोई भी बॉडी डायगोनल ले लो, क्योंकि सेंट्रल क्यूब 172 आ गया। अब सम ऑफ क्यूब्स ऑन एनी फेस मैक्सिमम, ऑब्वियसली जो टॉप वाला फेस होगा उसका मैक्सिमम होगा, क्योंकि वो 343 कहां से लेके फर्स्ट क्यूब 49 माइनस कर दीजिए इसमें से, 343 में से 48 माइनस कीजिए इनफैक्ट, तो 295, तो दिस विल बी 295। आई होप आई एम रेडी, आई एम राइट, नहीं 294 आएगा बेटा मेरे को लगता है, क्यूब नंबर विल बी 294, राइट, क्योंकि 6 क्यूब्स आ जाएंगे ना पहले, 295 ही आएगा। तो 295 इज द फर्स्ट क्यूब ऑन द टॉप सरफेस, लास्ट क्यूब इज 343 डिवाइड बाय 2 × 49, दिस इज मैक्सिमम सम ऑन ऑल द क्यूब्स, राइट। क्लियर हो गया बेटा जी, ओके, यस। अब आपका क्वेश्चन आता है, ये आपको घर से करना है, चैट में लिख के भेजना है, सम ऑफ क्यूब्स विच आर नॉट विजिबल, अंदर 5 × 5 × 5 का क्यूब बच जाएगा, उसके क्यूब्स का मेरे को सम बताना है आपने, ठीक हो गया, उसके क्यूब्स का सम बताना है आपने मेरे को, ठीक है भाई साहब, इज इट ओके विद एवरीवन? Okay guys, so I hope you all enjoyed this season 2 as well. So यहाँ पे हम लिख देते हैं season 1 episode 10, 10 का दम। तो ये 10 episode आप देख लीजिए, कल हम start करेंगे, कल क्या start करेंगे भाई, कल season 2 शुरू होगा कल, right? और season 1 को अच्छे तरीके से देख लीजिए, ताकि जब आप season 1 पे आए तो कर दीजिए। अब हमारे काम छोटे छोटे, पहला काम सीजन 2 का ट्रेलर आएगा, आज रात को लॉन्च हो जाएगा, उसको जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, पहला चीज। सेकंड थिंग, सीजन 2 में और क्या क्या है,
सीजन टू में एक स्पेशल चीज दिया है, हमने क्या किया है कि सीजन टू में आई एम गिविंग यू 10 टेस्ट ऑफ क्वांट, राइट? 10 टेस्ट होंगे क्वांट के, राइट? ये प्रॉक्टर्ड टेस्ट होंगे, प्रॉक्टर्ड, राइट? मतलब आप लाइव आके ही दे सकते हैं ये टेस्ट, राइट? ये टेस्ट आपके जो हैं, अगर आप देना चाहते हैं तो यू हैव टू कॉन्टेक्ट एट दिस नंबर टू ज्वाइन दिस 7972111555, राइट? दीज आर हाई लेवल टेस्ट, प्रॉक्टर टेस्ट 10. प्रॉक्टर टेस्ट का मतलब क्या है कि भाई आप उसको देख, मतलब देयर विल बी सम इनविजिलेटर एंड देयर आर ओनली 500 सीट्स फॉर दिस प्रॉक्टर टेस्ट. इफ यू वांट टू अपीयर फॉर दिस टेस्ट यू कैन ज्वाइन एंड द फीस फॉर दिस टेस्ट इज वेरी लो. इट इज जस्ट 299 rupees. 299 यू कैन गेट दिस प्रॉक्टर टेस्ट, 10 प्रॉक्टर टेस्ट ऑफ क्वांट, राइट? उसकी डेट्स आपको ज्वाइन हो जाएंगी. यू कैन रजिस्टर. कल आपको इसका लिंक मिलेगा, आई नो आफ्टर द शो. ओके, एंड व्हाट एल्स, देयर वी विल बी डूइंग लेवल टू क्वेश्चंस, 10 लेवल टू क्वेश्चंस टुमारो आई विल बी डूइंग. इफ यू वांट टू बी देयर यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट. दिस इज लिमिटेड टू ओनली 500 स्टूडेंट्स हु वांट टू अपीयर फॉर प्रॉक्टर्ड क्वांट टेस्ट व्हिच विल बी अवेलेबल टू यू एट 299, राइट गाइस? आई होप यू ऑल एंजॉयड. And season 3 is going to be ultimate challenge. ये cat के बहुत गंदे गंदे वाले question कराने वाला हूँ मैं. But season 2 should be attended by everyone who aspire to take his or her percentile 95+. Thank you very much. God bless you. Good night. Shabba khair.